एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सबसे पहले गाइज सॉरी कि आप लोगों को जो है अभी 13 मिनट जो है वो वेट करना पड़ा, 5:13 मिनट है जो कि हो चुके हैं, और नॉर्मली 5 बजे जो है वो अपनी क्लास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अबाउट इट कि आपको वेट करना पड़ा, बिकॉज सिस्टम जो है वो काफी स्लो हो गया था यार, इसकी वजह से ओपन नहीं हो पा रही थी फाइल, तो इसकी वजह से जो है वो काफी टाइम लग गया। आई एम सॉरी अबाउट इट गाइज। चलिए ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं। आज है संडे, तो सबको पहली बात तो दोस्तों संडे की बहुत बहुत मुबारक। और आज संडे है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए स्पेशल संडे है। अब आप बोलोगे सर स्पेशल संडे क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको जीके पढ़नी है तो सुबह दोस्तों 7 से 8 मेरी क्लास है स्पेशल क्लास के ऊपर। कौन सी है? हिस्ट्री की। फिर 8 से 9 मेरी ज्योग्राफी है। 9 से 10 दोस्तों मेरी पॉलिटी। 10 से 11 मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। और 11 से 12 दोस्तों यहां पे एक सुपर टेस्ट है जो कि मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों स्पेशल क्लास को। बहुत मजा है जो कि आपको आ जाएगा क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलिए, और जितने भी अगर आपको अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए रेफरल कोड आपको मालूम ही है भुनेश10 है, जो कि आपको यूज करना है 10% ऑफ के लिए सभी सब्जेक्ट के सारी क्लासेस के लिए दोस्तों। ओके, मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फ्राइडे को मैंने साइंस है जो कि स्टार्ट करी है। बिल्कुल पहला तो जो क्लास था वो बिल्कुल ही बेसिक क्लास था, इंडेक्स बताया था मैंने, है ना। अभी आपको मंडे से जो है वो जबरदस्त क्लास स्टार्ट होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मात्र 450 रुपए पर मंथ में जितने भी एग्जाम है ना SSC के, सबकी तैयारी दोस्तों, टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके चलिए, नीति आयोग इंफ्रा परियोजनाओं में रिसाइकल सामग्री के अनिवार्य उपयोग को कितना करने के लिए कहा था, तो ये 25% के लिए दोस्तों कहा था। तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दो कि यस सर आवाज आवाज जो है बिल्कुल सब कुछ आ गई है, परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार। चलिए बिल्कुल, आई एम सॉरी गाइज, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकाश है जो कि लाइव सेशन देखने आए थे। ओके चलिए, दिल्ली में बारिश हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है यार, बारिश होनी चाहिए। चलिए, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में बनाया गया था, और इसके चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। ओके, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। नेल्सन मंडेला की अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। ओके गाइस, यूनाइटेड नेशन ने इसको 2009 के अंदर जो है इसकी शुरुआत है जो की करी थी। ओके, उनके बर्थडे पे दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। आपको मालूम है दोस्तों नेल्सन मंडेला वो पर्सन थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर 1918 में दोस्तों इनका जन्म हुआ, और 12 साल के जब ये थे दोस्तों तो इनके फादर की जो है वो मृत्यु हो गई थी, ठीक है गाइज। इसके अलावा नेल्सन मंडेला काफी डेडिकेटेड रहे, पूरी लाइफ जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते रहे, और उन्होंने पूरी लाइफ में दोस्तों एक जो अपनी जगह है उसको एक बेटर प्लेस बनाने के लिए जो ब्लैक लोग है जो उनके लिए दोस्तों राइट के लिए लड़ते रहे। नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो है 1944 में इन्होंने ज्वाइन करी, और उसके बाद में यूथ लीग बनाया, उसके बाद में नेल्सन मंडेला और विलियम ने मिलकर दोस्तों इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज से भी 1993 के अंदर नवाजा गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वाइट लोगों को के सामने ब्लैक लोगों के राइट्स को लेकर बात करी थी, प्रोटेस्ट किया था। गांधी जी के दोस्तों बहुत ज्यादा फॉलोवर थे, गांधी जी से ही इन्होंने सब कुछ है जो कि सीखा था। ओके, 1999 के अंदर दोस्तों पॉलिटिक्स में तक रहे ना ये, और 2013 तक दोस्तों एक ग्लोबल पीस के एडवोकेट रहे। जोहान्सबर्ग के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु है जो कि फाइनली होती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं सुटेबल पोजीशन की बात करूं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत को 3rd पोजीशन है दोस्तों जो कि दी गई है, मोस्ट सुटेबल लोकेशन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की 48 कंट्रीज के अंदर। अगर मैं कॉस्ट की, कॉम्पिटिटिवनेस और कंडीशन की बात करूँ तो नंबर 1 के ऊपर दोस्तों है चाइना, 2nd के ऊपर है USA और 3rd के ऊपर है इंडिया। ओके गाइज, पीएम स्वनिधि डैश से संबंधित है, बताइए स्वनिधि दोस्तों जो स्कीम है स्वनिधि, ये किससे रिलेटेड है? यह है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर से। तो पीएम स्वनिधि दोस्तों दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है,
जो भी आपके रेडी वाले लोग होते हैं ना, इनको 10,000 रुपए की दोस्तों आर्थिक मदद, एक तरीके से लोन है ये दोस्तों, जो कि दिया जा रहा है। ओके गाइज, ये देख सकते हो आप, 10,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस और किसी भी गारंटी के बिना 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए, और 7% जो कि होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि इसको बेयर करेगी। ओके चलिए, आप देख सकते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो भाई, कचरे को क्या करना है, बिजली में बदलना है, और ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है गाइस, जिसके अंदर डिसाइड किया गया है कि वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। 5%, 5 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये लोग जनरेट करेंगे, और साथ में जो कचरे की प्रॉब्लम है इकट्ठे होने की, उसको भी रिजॉल्व यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। 70 विधानसभा की सीटें, 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा, रानी बीबी रानी मौर्या सीएम, गवर्नर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड न्यूज के अंदर था क्योंकि उन्होंने नई समर कैपिटल है जो कि गहरी सेन नाम की चामोली डिस्ट्रिक्ट में बनाई है। इसके अलावा माइग्रेंट जो रिटर्न हुए हैं दोस्तों, उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च करी है, और साथ में एक होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया लोगों को नौकरियां देने के लिए। ओके अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य Q1 फाइनेंशियल 2021 में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? तो भाई, 2020 के अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, यानी कि मार्च के बाद में, मतलब ये मान लो आप अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है, जो कि देखने को मिला है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है गाइस, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमिलनाडु को नियर बाय दोस्तों 18% टोटल इन्वेस्टमेंट का भारत में जो हुआ है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है। ओके गाइज, तो यहाँ पे नियर बाय फ्रेश इन्वेस्टमेंट 18,000 करोड़ रुपए का भी आ गया है। ओके चलिए, तमिलनाडु की बात करें, 39 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे दोस्तों गवर्नर, पलानी स्वामी सीएम है, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा, 56 में दोस्तों तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ, इंदिरा गांधी, मधुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार और गुंटी नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पे काफी फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूज के अंदर था बिकॉज यहाँ पे एक ब्यूरल साइट है दोस्तों आदि चालुंकर, वो यहाँ पे मिली है दोस्तों। इसके अलावा मंथली 3,000 रुपये दोस्तों जूनियर लॉयर्स को देने के लिए बोले हैं 2 साल के लिए। ओके इसके अलावा एक फ्रेश वाटर है दोस्तों प्यूनिटेस, वो भी यहाँ पे मिली है, और जीआई टैग भी यहाँ के दोस्तों तंजावुर के नेटी वर्क और अरम्बुर के वुड कार्विंग को दोस्तों मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ट्रांसजेंडर समुदाय किसको बताइए, ठीक है, किसको किया दोस्तों? उड़ीसा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अंडर द मधु बाबू पेंशन योजना, जिसके तहत दोस्तों बूढ़े लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को, विडो को और ट्रांसजेंडर को दोस्तों पेंशन है जो कि दी जा रही है। इसके तहत दोस्तों 500, 700, 900 रुपये पर मंथ पेंशन है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के एज के हिसाब से दी जाएगी। ओके मधु बाबू पेंशन योजना की बात करें, 2008 में लॉन्च करी गई थी। ओके मैं आपको बता चुका हूँ किन किन लोगों को दोस्तों यहाँ पे पेंशन है जो कि मिलती है। उड़ीसा की बात करें तो गणेशी लाल गवर्नर है, 147 विधानसभा, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, 136, 1936 में राज्य का फॉर्मेशन हुआ। रथ यात्रा दोस्तों, बाली यात्रा है ना, और धनु यात्रा, दुर्गा पूजा काफी यहाँ पे फेमस है। रिसेंटली न्यूज में था दोस्तों क्योंकि 5T इनिशिएटिव के ऊपर दोस्तों इन्होंने काम किया था। ओके जैसे कि लोगों को टेस्ट करना, ट्रीट करना है ना, इस तरीके से। मतलब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो जिनके पास जमीन नहीं है उनके फार्मर्स, उन लोगों के लिए भी इन्होंने योजना लॉन्च करी थी। ठीक है गाइस, बालाराम इसका नाम था दोस्तों, ठीक है, 7 लाख लैंडलेस फार्मर के लिए 2 साल के लिए योजना लॉन्च करी गई थी, जिसमें लोन है जो कि दिया जा रहा था। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है, बताइए? निजी सचिव की बात करें तो प्रवीण सिद्धार्थ जी को दोस्तों अभी प्राइवेट सेक्रेटरी है दोस्तों, जो कि रामनाथ कोविंद जी का अपॉइंट किया गया है।
ओके गाइस, और ये कौन थे? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज 1997 के बैच के ऑफिसर थे। ओके चलिए, फैक्ट अबाउट प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 है। रिजाइन देते हैं वीपी को दोस्तों, और वीपी प्रेसिडेंट को। इसके अलावा अगर वो नहीं हो तो वीपी पोजीशन लेते हैं, वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो कोई भी सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट में। दो बार दोस्तों राजेंद्र प्रसाद रहे, दो बार दो लोग जो ऑफिस में मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अनअपोज्ड नीलम संजीवा रेड्डी, पहली वुमेन प्रतिभा पाटिल, पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन, पहले प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जो कि ऑफिस में दिन की डेथ हुई, और शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी जाकिर हुसैन ही थे हमारे देश के। आरबीआई ने श्याम श्रीवास्तव को डैश के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो श्याम श्रीनिवासन की बात करें दोस्तों, तो ये फेडरल बैंक के अभी जो है इस वापस से एमडी है जो कि बने हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं रीअपॉइंटमेंट इनका किया गया है। अली बोगो ओडिम्बा को डैश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो ये अली बोंगो की बात करें दोस्तों, तो ये कहा कि गैबोन नाम का एक देश है दोस्तों अफ्रीकन, वहां की दोस्तों प्रधानमंत्री है जो कि वापस से बनी है। ओके, वह मतलब पहली बार बनाई गई है। ठीक है गाइस, 55-56 साल की है, वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये पहले हुआ करती थी। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, लिबरविल दोस्तों उसकी कैपिटल, और फ्रैंक यहाँ पे करेंसी चलती है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैमरून हो गया, कॉन्गो हो गया, है ना, इसी के बीच में गैबोन नाम का देश। ओके, ये इक्वेटर के ऊपर भी लोकेटेड है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किस टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए किसे राजदूत के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। इसको क्या गया है भाई, प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर है, जो कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के अंदर बनाया गया है। ओके गाइज, और 50 फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस में से जिनको एज एम्बेसडर इनवाइट किया गया है। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वह एक डैश थे। टीकाराम कौन थे दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस पैरा एथलीट थे। ओके, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे, जिनकी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई, और इनको दोस्तों अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से किस टीम को ला लीगा चैंपियंस के रूप में ताज पहनाया गया है। तो ला लीगा दोस्तों जो चैंपियनशिप होती है ना, उसके जो चैंपियन वो कौन बने, रियल मैड्रिड को दोस्तों बनाया गया है। तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है दोस्तों रियल मैड्रिड, वो ला लीगा चैंपियन है, जो कि 34वीं टाइम बनाए दोस्तों यहाँ पे विलारियल क्लब को हला के। ओके गाइज, चलिए इसके अलावा ये सारे चैनल को आप जो है डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस चाहिए, जो कि अभी सुबह 7 बजे से मेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो गाइज ज्वाइन किएगा, करिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके एसएससी में जाओ, फिर भुवनेश शर्मा सर्च करो, फिर फॉलो करो। फॉलो करते ही दोस्तों आपको मेरी सारी क्लासेस है जो कि आपको बैक टू बैक यहाँ पे मिल जाएगी फॉलो करते ही। ओके, इसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो भुवनेश 10 यूज करिएगा, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, चाहे आप इंडिया में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, गेट, आईएएस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैट, मैट, कुछ भी। ओके, मेरा दोस्तों जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है एसएससी में। स्टैटिक जीके पढ़ा चुका हूँ, साइंस की शुरुआत कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, पहली क्लासेस के अंदर हो चुकी है। ओके, लेना कैसे है, अगर आप देखोगे कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों जो कोई बहुत सारे एग्जाम लिखे हुए होंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएससी सेलेक्ट किया, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर 500 रुपये पर मंथ में गए, क्योंकि आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आप रेफरल कोड में गए, फिर आपको बीएचयू एनईएसएच भुवनेश 10 डाल के आपने अप्लाई कर दिया। हे गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व इमोजी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। इमोजी डे, काफी फनी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, और वापस मिलते हैं स्पेशल क्लास के अंदर, जो कि वाक्य में काफी स्पेशल है, सुबह 7 बजे वाले स्पेशल क्लास के अंदर मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।